गांधारी क्यों पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी? गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री? गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें ही याद होगा कि 47 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माते, इन 100 में 100 ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह 100 है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहती हैं, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई भी पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन उन्हें नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहीं भूल आए क्या? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेकों बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती हैं, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों की बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है कि
तुमने ये क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री? तब गांधारी कहती है किंतु मैंने तुम्हें तो यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती हैं। फिर वह कहती हैं, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया पुत्र, शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो आज अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई माया भी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति और अपना सतीत्व, अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूँगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मार मारूंगा कि वह घबरा कर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़ कर उसका वध कर देता है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।